चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू कार्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू। वी वन इज ग्रेटर देन वी टू व्हेन द कार ए इज एट अ डिस्टेंस डी एड ऑफ द कार बी। द ड्राइवर ऑफ द कार ए अप्लाइड द ब्रेक प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन स्मॉल ए। देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन। देखो इसमें दो कार का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं मोशन के तीनों फॉर्मूले, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये फॉर्मूले आप कब यूज करते हो? ये पहली बात तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं। दूसरा केस होता है एक ही ऑब्जेक्ट की बात जब हो रही होती है ना, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजिशन के बीच में ये सिनेरियो अप्लाई किया जाता है, ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, और रिटार्डेशन हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, करेक्ट है। इस पोजिशन और इस पोजिशन, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की डिस्टेंस को एस बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। यानी कितना ये डिस्प्लेस किया इनिशियल फाइनल में, डिस्प्लेसमेंट कितना किया दोनों में, यहां से इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में टाइम कितना लगा एस, ठीक है। ये तो बात हुई एक ऑब्जेक्ट की, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हो जाता है, जैसे दो कार अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कार ए और कार बी। कार ए आगे है, ये कार ए हो गई, और ये कार बी है, ये पीछे है। तो इस सिचुएशन में जब दो कार होंगी और उनकी बात की जाएगी और उसमें आपको ये मोशन के तीनों इक्वेशन लगाने हैं जिसमें रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी, इसमें भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी, इनिशियल और इसमें भी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है, होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट हैं यहां पर, इस केस में, इस वाले केस में एक ऑब्जेक्ट था, तो जब दो ऑब्जेक्ट होंगे और दो डिफरेंट सिनेरियो होगा, एक केस इनिशियल, दूसरा सिनेरियो है फाइनल, तो उसमें यही इक्वेशन बदल जाएगा और सारे टर्म रिलेटिव हो जाएंगे। जैसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। ये सारा ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए यूज करना चाहो वो कर दो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सारे टर्म जो है रिलेटिव टर्म यूज किए जाएंगे, और इनिशियल पोजीशन में जैसे ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2, कार ए की वेलोसिटी है v1, और v1 इज ग्रेटर देन v2 है। अब दो अलग अलग सिचुएशन है, ये पहला इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो आपको इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए a विद रिस्पेक्ट टू b, कौन समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b। ए की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1, ठीक है, b की वेलोसिटी कितनी है? v2, करेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b की वैल्यू v1 माइनस v2 आएगी, करेक्ट है। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ a माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ b, फाइनल वेलोसिटी ऑफ a। अब देखो हम ये मानते, कोई क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोलिजन हो गया, कोलिजन होने का मतलब है दोनों कार टकरा गई, यहां पर कोलिजन हो गया, कार ए और कार बी टकरा गई, कोलिजन हो गया यहां पर। जब कोलिजन यहां होगा तो दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। इस सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी को हम वी कंसिडर कर लें अगर, तो और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो v माइनस v कितना हो जाएगा? जीरो। वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ b, उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ a कितना है? स्मॉल a। एक्सेलरेशन ऑफ b, क्या b में एक्सेलरेशन है? नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा माइनस a, यहां पर माइनस होगा, ध्यान रखना। ए का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड में ना, निगेटिव ए होगा ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए, करेक्ट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? वो होगा एस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एस होगा, क्योंकि वो आगे की तरफ है राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव माना जाएगा। तो अब ये तीनों इक्वेशन, जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
final velocity of A with respect to B, acceleration of A with respect to B और displacement of A with respect to B, ये सारी values हम रखेंगे इस equation में, third वाले equation में, relative वाले. तो हम रखते हैं इसको velocity of A with respect to B, final velocity of A with respect to B, initial velocity of A with respect to B और plus 2A of B, S of A, B, कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? जीरो. तो जीरो का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? वी वन माइनस वी टू, करेक्ट है. और ये क्या हो जाएगा? टू इंटू माइनस ए इंटू एस, ये कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू, ये आ जाना चाहिए, माइनस वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू ए, ये आएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इतनी आ गई. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनिशियल से और फाइनल से के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस का. अब अगर कोलिजन हो जा रहा है, अगर कोलिजन हो रहा है तो एस की वैल्यू डी के बराबर होगी. जितना डिस्प्लेस, जितनी डिस्टेंस है दोनों कार के बीच में, अगर कोलिजन हो जाता है तो जितना डिस्प्लेस हुआ दोनों कार इनिशियल और फाइनल में, वो अगर डी के बराबर हो तो कोलिजन हो जाएगा. लेकिन अगर कोलिजन नहीं होना है, यहां बोल रहा है कोलिजन नहीं होना है, नो कोलिजन, तो इसका मतलब है डी बड़ा होना चाहिए एस के कंपेयर में. D बड़ा होना चाहिए S के कंपेयर में, इसका मतलब है D इज ग्रेटर देन S. S की वैल्यू ये है, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2A, करेक्ट है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? D वाला, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, C वाला सही है ना? C वाला, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.